हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो प्लान है 27 फीट × 41 फीट का हाउस प्लान है। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान है, इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है, नॉर्थ इस तरफ है, साउथ इस तरफ है। और जो बिल्डअप एरिया है इस तरफ 27 फीट और इस तरफ 41 फीट। ठीक है, तो ये डिटेल्स हम रिव्यू करेंगे आज। तो यहीं पे वॉल है, आउटसाइड का वॉल है, वो मैंने ड्रा कर ले रहा हूँ। तो आउटसाइड का वॉल यहीं पे 9 इंच है, और जो इनसाइड का वॉल बनाएंगे वो 5 इंच का बनाएंगे, क्योंकि अंदर में जस्ट पार्टीशन के लिए यूज़ करना है। तो यहीं पे 9 इंच का वॉल देने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे देखिए जो रेड है यहीं पे डोर विंडो आएगा। तो यहीं पे वॉल के अंदर अभी जो बना रहा हूँ ये फिलहाल विंडो है, विंडोज वेंटिलेशन का। यहीं पे एक विंडो आएगा। ठीक है, तो यहीं पे उसके बाद देखिए एक इनसाइड वॉल को बनाना है। इनसाइड वॉल बनाने के लिए मैंने यहीं पे ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कौन सा कलर क्या वॉल है, क्या कितना साइज का है, आपका पता चल जाएगा। तो ब्लू कलर का वॉल यहीं पे 5 इंच है। तो यहीं पे क्या क्या मिलेगा, क्या डिटेल्स है, कितना कॉस्ट आएगा, फाउंडेशन कितना बनाना है, सारे डिटेल्स मैंने यहीं पे बताऊंगा। यहीं पे कितना कॉस्ट आएगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेके सारी चीज़ यहीं पे मैंने शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। उसके बाद अगर कुछ आपका सवाल है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो देखिए यहीं पे लेआउट बन गया है। तो यहीं पे डोर, डोर आएगा, ये सब सभी डोर है। यहीं पे मेन डोर है, यहीं पे डोर विंडोज और वॉल का लेआउट अपन ने देख लिया। तो यहीं पे चलेंगे इसका डिटेल्स में। तो यहीं पे मेन डोर है, मेन डोर का यहीं पे 4 फीट का पैसेज है। तो यहीं पे जो रूम है, पूजा रूम है, पूजा रूम है, इसका साइज 4 फीट 4 इंच × 10 फीट है। उसके बाद यहीं पे साउथ ईस्ट में किचन है, किचन का साइज 6 फीट इस तरफ और 11 फीट 4 इंच इस तरफ मिल जाएगा। यहीं पे बेडरूम है 10 फीट × 10 फीट का बेडरूम है, और ये डाइनिंग एरिया है। यहीं पे ड्राइंग एरिया बना लीजिए, यहीं पे इसमें पे डाइनिंग और यहीं पे ड्राइंग बना लीजिए। तो देखिए यहीं पे
जो आपका एरिया है इधर से इतना दूर तक मिल जाएगा, 20 फीट 8 इंच, और इधर से इतना दूर तक 8 फीट 8 इंच। तो इस हिसाब से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, और इधर से यहीं पे इतना दूर तक 5 फीट 10 इंच। यहीं पर स्टेयर का आप इस तरफ है, ऐसा घूम के इस तरफ डाउन है, 6 फीट है तो ठीक है, और एक एक स्टेयर का हुई 3 फीट। और यहीं पे बेडरूम है, ये बेडरूम का साइज 12 फीट बाय 10 फीट। इसके साथ देखिए यहीं पे अटैच टॉयलेट है, ये टॉयलेट का साइज 4 फीट 8 इंच इस तरफ बाय 6 फीट इस तरफ। यहीं पे भी बेडरूम है, ये बेडरूम का साइज 10 फीट इस तरफ, 12 फीट इस तरफ। इसके साथ भी अटैच टॉयलेट है, टॉयलेट का साइज 4 फीट 8 इंच बाय 5 फीट 7 इंच, ठीक है। और यहीं पे मास्टर बेडरूम है, साउथ वेस्ट में, बेडरूम का साइज 10 फीट इस तरफ, 12 फीट इस तरफ, काफ़ी स्टैंडर्ड साइज का बेडरूम यहीं पे प्रोवाइड किया। ये कॉमन टॉयलेट है, कॉमन टॉयलेट का साइज 4 फीट इस तरफ और 6 फीट 7 इंच इस तरफ मिलेगा। तो देखिए यहीं पे मैंने सारे चीज़ यहीं पे आप लोगों के साथ शेयर किया। तो यहीं पे ये सब विंडो है, वेंटिलेशन विंडो, यहीं पे भी एक विंडो है। तो देखिए यहीं पे कॉलम पोजीशन, यहीं पे कॉलम प्रोवाइड करना है, इस तरफ आपका कॉलम आएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नंबर कॉलम यहीं पे ज़रूरत है। तो यहीं पे नंबर ऑफ कॉलम 17, साइज 9 इंच बाय 12 इंच कहीं पे वाइट कीजिए। और जो फुटिंग आएगा, फुटिंग का साइज 5 फीट बाय 5 फीट इंटू 12 इंच फुटिंग का थिकनेस रखिए, क्योंकि इस पे स्पैन थोड़ा बड़ा है तो लोड थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो इसलिए ऐसा डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो रूम का जो डिटेल्स है ये आप थोड़ा सा चेंजेस भी कर सकते हैं आपका हिसाब से, तो देख लीजिए, रिव्यू कर लीजिए। तो यहीं पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा 13.3 लाख कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा।